कुशालगढ़ क्लब द्वारा पार्क में युवाओं को करवाया योग। गंगापुर सिटी में हायर सेकेंडरी स्कूल के पार्क में विश्व योग दिवस के उपलक्ष में कुशालगढ़ क्लब के तत्वाधान से योग शिक्षक गोविंद नारायण शर्मा के द्वारा युवाओं को योग के क्षेत्र में अवगत करवाया और योगासन प्राणायाम व्यायाम सिखाकर योग से युवाओं को प्रेरित किया। कुशालगढ़ क्लब चेयरमैन लक्ष्मीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि क्लब द्वारा वरिष्ठ सदस्यों के सुझाव एवं सदस्यों के सहयोग से सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते हैं। योग शिक्षक गोविंद नारायण शर्मा विगत 15 वर्षों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। 15 वर्षों से गंगापुर सिटी में लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए योग प्राणायाम की ओर प्रेरित करते हुए उन्हें सेवाएँ दे रहे हैं। हर वर्ष इनके सहयोग से क्लब द्वारा योग करवाया जाता है। पेट चर्बी वगैरह सब साफ हो जाएगा, कोई दांत है, कोई अपेंडिक्स का शिकार है, किसी प्रकार का आपको कोई रोग है, ब्रजेश ने बताया कि मनुष्य जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। आपका पाचन क्रिया बहुत मजबूत रहेगी अगर आप कपाल भाति 5 से 10 मिनट करेंगे। भोजन पचने में आपको बहुत अच्छा रहेगा, भोजन आपका तुरंत पचेगा, जो खाओगे अच्छे से अच्छे पहलवान अच्छा से अच्छा सेलिब्रिटी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसको दिखने में वो पर्सनैलिटी क्या शानदार रहती है उसकी, रहती है कि नहीं, बॉडी बिल्डर रहता है वो, सब कुछ अच्छा रहता है उसके साथ, लेकिन हार्ट फेल हो जाता है, अटैक आ रहे हैं तो उसके जोर से सभी नित्य प्रतिदिन 5 मिनट मंडूकासन में बैठेंगे। मंडूकासन में जो व्यक्ति बैठता है उसका खाना 2 मिनट में पच जाता है। डेली मंडूकासन में बैठेंगे दोनों टाइम बैठकर और अधिक से अधिक 15 मिनट दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम कपाल भाती। उसके बाद तीसरा प्राणायाम है भुजंग का, मतलब समझते हो सर्फ साफ साफ करें, पूरा लंबा गहरा सांस लेते हुए शीर्षासन अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम क्या है? प्राणायाम। आसन पूछ रहा हूँ मैं, आसन कौन कौन से बताए बताए आज? बड़ा हुआ पेट चर्बी वगैरह सब साफ हो जाएगा, कोई गांठ है, कोई अपेंडिक्स का शिकार है, किसी प्रकार का आपको कोई रोग है तो वो सारे कपाल भाति से दूर हो जाते हैं। आपका पाचन क्रिया बहुत मजबूत रहेगी अगर आप कपाल भाति 5 से 10 मिनट करेंगे। भोजन पचने में आपको बहुत अच्छा रहेगा, भोजन आप कोई भी आसान प्राणायाम करिए तो मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। कपाल भाति में कपाल भाति प्रॉपर कैसे होगी आपकी? जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को अपन फूंक से बुझाते हैं तो आपको उस मोमबत्ती को फूंक से नहीं बुझाना है। कैसे बुझाना है? नाक से, मुंह को बंद रखना है तो ऑटोमेटिक वो क्रिया सही हो जाएगी आपकी। और आपका जो नाभि टुंडी जिसको बोलते हैं वो जंप करेगी पीठ की तरफ ऑटोमेटिक। करिए, नाक से बुझाना है और वो भी झटके से। बैठिए सर, कपाल भाति करिए। ये आपको कम से कम 2 मिनट और अधिक से अधिक 5 से 15 मिनट कर सकते हैं। करिए 2 मिनट करिए। अनुलोम विलोम के बहुत फायदे हैं। जो व्यक्ति 5 से 10 मिनट डेली अनुलोम विलोम करेगा कभी भी उसको मानसिक तनाव नहीं होगा, जुकाम खांसी नहीं होगी, गले में दर्द नहीं होगा, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, कभी सिर में दर्द नहीं होगा। दिनचर्या में 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम करिए। लंबा गहरा सांस लेके खींच लेना है और उसी से छोड़ना है।
ये अनुलोम विलोम की क्रिया है। उसके बाद कपाल भाती सुबह 5 से 10 मिनट शाम को कर सकते हैं। और आसन होते हैं, आसन में कोई भी आसन आप नहीं करें, एक आसन करेंगे सर्वोपरि आसन रहता है। जैसे फलों का राजा कौन होता है? आम। प्राणायाम आप कहीं पर भी उनको कर सकते हैं, कोई जगह की सीमा नहीं है, कोई और चीज़ की सीमा नहीं है। और 5 मिनट 10 मिनट आप अपने आप को दें, जिससे आपके हार्ट लंग्स ये मजबूत रहें, जीवन में आपको कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो तैयार हैं आप? यस सर। यस सर। 2 घंटे से सर के साथ जो वार्म अप चल रहा था वो तो हो गया, वो भी कराते हैं हम, योग में ही आता है वो, योग प्राणायाम। और मैं प्राणायाम कराऊंगा आपको, जो आपके सबसे पहला प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से आप परिचित हैं? अनुलोम विलोम, कपाल भाति, भस्त्रिका, बाह्य प्राणायाम, उद्गीत। कुशालगढ़ क्लब का प्रोग्राम है, आपको कैसा लगा योग में शिविर में आना? बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा फील हुआ, इससे पूरे दिन सही रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। अच्छा, योग करने से। आपको कितने बजे आए थे आप? हम 5 बजे आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, आप सुस्त कैसे हो? ग्राउंड में आके तो कम से कम 2-4 एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं K2S चैनल से गुलशन कुमार नागी आपका स्वागत करता हूँ। आपका शुभ नाम सर क्या? किशन कुमार शर्मा। अच्छा, आप जरा एक्टिव लग रहे हो बहुत, यानी क्या बात है। आप डेली करते हो योग यहाँ पर? योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सुबह आके रनिंग करते हैं पहले। अच्छा, फिर एक्सरसाइज करते हैं, योग भी करते हैं। अच्छा, डेली। अच्छा, इसके बाद जाके घर पे क्या करते हो? इसके बाद घर पे जाके नहाते हैं, नाश्ता वास्ता करके फिर वही डेली रूटीन में लग जाते हैं, एक्टिव फील करते हैं पूरे दिन। पढ़ाई करते हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? यही देना चाहते हैं कि योग करें, स्वास्थ्य सही रखें, एक्सरसाइज करें, पूरा दिन एक्टिव रहता है, बीमारियों से बचते हैं, बीमारियों से बचते हैं, और 1 घंटा अपने शरीर को रोज दें। उससे क्या है, रात को अपन ज्यादा सोते हैं ना, अच्छी नींद भी आती है, अच्छी नींद भी आती है, और गलत ख्याल नहीं आते हैं, नींद आ जाती है, थका हुआ आदमी होता है तो जल्दी भी जग जाते हैं, तो पूरा रूटीन सही रहता है। हाँ, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।